हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को जो प्लांट दिख रहा है ये क्या है, गुड़हल का एक शाखा है हमारे पास, एक ब्रांचेस है किसकी, गुड़हल की। और इस गुड़हल को हम क्या कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, आप सभी को पता होगा। इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो इसका बोटेनिकल नेम है या वनस्पतिक नाम है क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पौधा क्या है, मोनोकाट है कि डाईकाट है, क्योंकि पौधे यदि हैं तो दो ही प्रकार के होंगे, या तो मोनोकाट होंगे या तो डाईकाट, यानी एक बीजपत्री या दो बीजपत्री। देखिये, जो गुड़हल का पौधा होता है वो डाईकाट होता है। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पौधा क्या है, डाईकाट या दो बीजपत्री है, तो आप इनकी पत्तियों को देखिए, इस पत्तियों को आप गौर से देखिए, इनकी पत्तियों पर रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है कि जालिकावत शिरा विन्यास। और जिन पौधों की पत्तियों पर जालिकावत शिरा विन्यास होता है, वह पत्ती या हम कह सकते हैं कि वह पौधा जो है डाईकाट प्लांट या द्विबीजपत्री पौधा होता है। अब यहाँ पे आपको इसमें हम आपको आज की इस वीडियो में क्या बताएंगे कि फिलोटैक्सी, देखिए फिलोटैक्सी क्या होती है, या इसको हम हिंदी में कहते हैं पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास या फिलोटैक्सी का मतलब होता है कि शाखाओं पर या टहनियों पर किस प्रकार से पत्तियों की व्यवस्था है, यानी अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का जो अरेंजमेंट है वो शाखा पर या टहनी पर किस प्रकार से है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास में आपको पता होना चाहिए कि जो पर्ण विन्यास होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है एसाइक्लिक यानी कि अचक्रीय पर्ण विन्यास, और दूसरा होता है साइक्लिक फिलोटैक्सी, या हम इसको कह सकते हैं कि चक्रीय पर्ण विन्यास। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो असाइक्लिक, मतलब जो कि चक्रीय पर्ण विन्यास नहीं होते हैं, यानी इनमें कोई भी चक्र नहीं पाया जाता है, तो अचक्रीय पर्ण विन्यास के अंतर्गत जो है एक प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। और अल्टरनेट फिलोटैक्सी या एकांतर पर्ण विन्यास का मतलब होता है कि पत्तियों के मध्य एक एक का अंतर रहेगा, यानी एक पत्ती रहेगी उसके बाद ही दूसरी पत्ती रहेगी। तो एक पत्तियों के बाद देखिए, जैसे ये पत्ती है, इसके बाद ये दूसरी पत्ती, अगली पत्ती जो है फिर दूसरे साइड है, तो एक एक का अंतर रहेगा। एक पत्ती यदि इधर है तो दूसरी पत्ती अपोजिट साइड में रहेगी, फिर तीसरी पत्ती जो है अगली साइड में रहेगी। और यहाँ पे चक्रीय पर्ण विन्यास में क्या हो जाता है कि दोनों के अपोजिट में जो पत्तियां हैं वो पाई जाती है, लेकिन अल्टरनेट में किसी प्रकार ऐसा नहीं होता है। जो देखिए तने या शाखाओं पर क्या होता है, जगह जगह पे गांठ पाई जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये गांठ है, एक ये गांठ है, तो तने या शाखाओं पर जो गांठ पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नोड या पर्व या नोड या पर्व संधि कहते हैं। तो पर्व संधि या नोड से क्या होती है कि पत्तियां निकलती है, और पर्व संधियों से जो पत्तियां निकलती है तो पत्तियों का निचला वाला भाग जो है ये क्या कहला जाता है, ये कहला जाता है पर्ण विन्यास। देखिए दो ही प्रकार के विन्यास होते हैं मुख्य रूप से यदि हम देखें तो। जो पुष्प का देखिए, एक तो पुष्प का विन्यास होता है, पुष्प का विन्यास या हम कह सकते हैं पुष्प का जो डंठल होता है, इस पुष्प के डंठल को हम क्या कहते हैं, पुष्प ब्रंथ या पेडिकल कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें पत्तियों के ब्रंथ को, तो पत्तियों के ब्रंथ या डंठल को हम क्या कहते हैं, पत्तियों के ब्रंथ या डंठल को हम पर्ण ब्रंथ कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्टाक कहते हैं। यदि पुष्प का स्टाक है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टाक का फ्लावर। और इसको हम क्या कहेंगे, यदि पत्तियों का कोई भी डंठल है या पत्तियों का कोई भी क्या है ब्रंथ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टाक ऑफ लीफ। यानी यहाँ पे मुख्य रूप से पत्तियों का जो ब्रंथ है तो वो क्या कहलाएगा, पर्ण ब्रंथ, और जो पुष्प का ब्रंथ है वो क्या कहलाता है, पुष्प ब्रंथ कहलाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, यदि हम बात करें इस डाईकाट प्लांट की, तो आपने इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया कि यह कैसे है, डाईकाट प्लांट है। इसके बाद इसके फ्लावर की यदि हम बात करें, तो इसका फ्लावर जो है बेसिकली, या हम ये कह सकते हैं कि जो गुड़हल होता है यह मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और मालवेसी फैमिली में आने वाले जो पौधे होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि उनमें जो कैलिक्स व करोला होते हैं, इनकी संख्या तो 5-5 होती है, लेकिन साथ ही साथ में इनमें एपी कैलिक्स यानी इनमें अनुबाह्य दल भी पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इनमें 7 के लगभग जो है अनुबाह्य दल भी पाए जाते हैं, किसी किसी में 6 भी होते हैं, वो आपको याद रखना है। बेसिकली आपको गिनना है, और लगभग जो है गुड़हल के या मालवेसी फैमिली में 7 अनुबाह्य दल जो है पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको देखना है कि जो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, यानी कि जो एकांतर पर्ण विन्यास होता है, उसमें एक एक का अंतर होता है, पत्तियों में आपस में एक एक का अंतर होता है, एक पत्ती के बाद अगली पत्ती जो लगेगी एक ही लगेगी और वो दूसरे साइड में होगी, फिर जो दूसरी पत्ती है उसकी दिशा भी कुछ दूसरी रहेगी। तो यहां से आपको याद रखना है कि जो अचक्रीय पर्ण विन्यास होता है यानी कि एसाइक्लिक फिलोटैक्सी होती है, उसका एक ही प्रकार है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। इसके बाद हम आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे साइक्लिक फिलोटैक्सी या चक्रीय पर्ण विन्यास जो होता है वह दो प्रकार से होता है, और उस दोनों प्रकार को हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।